पुलिस का शहबाज गिल को हथकड़ियां लगाकर पार्लियामेंट लॉजिस में सर्च ऑपरेशन। शहबाज गिल के अपार्टमेंट से मुबैना गैर कानूनी असलहा बरामद। अपार्टमेंट से सैटेलाइट फोन और दीगर मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए। 24 न्यूज से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा कि मुझे इस असलहे का इल्म नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच तश्कील, समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा। इमरान खान ने जलसे में खातून जज जेबा चौधरी को धमकी दी थी। कोरोना वायरस से मजीद दो अफराद दम तोड़ गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 217 नए मस्बत केसेस सामने आ गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 1.9 रिकॉर्ड की गई। 116 कोरोना मरीजों की हालत तश्वीशनाक। हैदराबाद में बारिश के बाद डायरिया की वबा फूट पड़ी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। रवा माह रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 14000 से तजावुज कर गई। माहरीन के मुताबिक आलूदा गजा और गंदे पानी की वजह से डायरिया फैल रहा है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में मौजूद। कराची में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, दादू और सखर समेत सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसने के तवक्को। कोयटा, कला सैफुल्ला और कोहलू में बारिश हो सकती है।